अच्छा बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब समझते हो? इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे होती है? जहाँ पर प्लस और माइनस होते हैं। अच्छा, प्लस वाले को हम क्या बोलते हैं? कैटाइन बोलते हैं। और माइनस वाले को क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं, ठीक है। कैटाइन आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और एनायन आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अच्छा, कैटाइन किस में पाए जाएंगे? मेटल्स में। और एनायन किस में पाए जाएंगे? नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवेलेंट जो बॉन्ड बनता है वो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, ठीक है। मतलब यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्लस माइनस का, ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, मेटल्स क्या करते हैं? प्लस कब गेन करेगा? जब मेटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ठीक है। नॉन मेटल पे माइनस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? वो गेन करेंगे। आई बात समझ में? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एटम, तो वहां पर एनायन पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। और कैटायन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा।